वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल आपके प्रोटेक्शन के लिए, और आप सभी का भी यहाँ होने के लिए बहुत बहुत आभार। मैं आप सब लोगों के यहाँ होने के लिए दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार साथ और सहयोग के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, आप लोगों के टाइम के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, और ये कार्ड है फुलफिलमेंट का और डिग्निटी का। एंगेज योर सेल्फ फुली, देयर आर नो सेकंड चांसेस। ओके, डिग्निटी, लिव योर ट्रू एसेंस। तो अपने ट्रू एसेंस में रहिए, यानी कि अपने जो भी आपका रियल सेल्फ है उसमें रहिए, और जिस भी काम को आप करना चाहते हैं उसको संपूर्णता के साथ कीजिए, यानी कि अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेट कीजिए। कई बार सेकेंड चांसेस नहीं मिलते हैं, दूसरा मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैनल पे होती हैं बातें साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, और जो कुछ भी आपके एनर्जी फील्ड में चल रहा है उसके बारे में। तो अगर आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं तो आपका स्वागत है। आपको यहाँ पे अवेयर रहने के लिए या क्या जानने की ज़रूरत है, क्या जानने की ज़रूरत है आपको, उसके बारे में मैसेजेस मिल जाएंगे। तो कोई आपको आपकी जगह से धकेलने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपको आपकी जगह से गिराने की कोशिश कर रहा है, या आपकी जगह छीनने की कोशिश कर रहा है, या जिस जगह पे आप बैठे हैं कोई चाहता है कि जैसे कि एक बेंच है और उस पे आके इतने लोग बैठ जाएं कि आपको धक्का मार मार के नीचे गिरा दें या गिराने लगे। तो कोई आपको आपकी जगह से बिल्कुल गायब कर देना चाहता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। इंटीमेसी का यहाँ पे कार्ड है, द ट्रू मीटिंग हैपेंस इन द नाउ। तो हम तो यहाँ बात करते हैं डेफिनेटली डिवाइन की, स्पिरिचुअलिटी की। तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपने रियल सेल्फ से मिल रहे हैं, या फिर जो भी रियल एनर्जीज हैं आप उनको देख रहे हैं या समझ रहे हैं। और साथ ही साथ इन रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली आपका मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है, स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मैसेजेस को सही तरीके से ले सकते हैं या ले पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, गॉड, लव की एनर्जीज है, दैट विच इज़ फाउंड एंड दैट विच इज़ फाइंडिंग आवर वन। तो जो आप पा रहे हैं या जो पा रहा है वो लव आप ही हैं, या वो चीज़ ट्रू है, ट्रू मीटिंग हो रही है, वो चीज़ ट्रू है। तो आप ट्रू लव को पा रहे हैं, या फिर आप ट्रू जो एनर्जीज हैं, ट्रू सेल्फ है, आपका रियल सेल्फ है, आप उसको समझ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रियल लव की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या आप जिन चीज़ों से प्यार करते हैं उस चीज़ की एनर्जीज भी हो सकती हैं। और कोई नहीं चाहता है कि आपको वो चीज़ें मिलें, आपका ट्रू प्लेस मिले, आपका ट्रू सेल्फ मिले, आपकी ट्रू एनर्जीज मिले, यानी कि जो आपके लिए सही है, सच्चा है और ठीक है वो आपको मिले, उस जगह से कोई आपको धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो आज की तारीख में, यानी कि आज के दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वक्त ये पहला वीडियो है जो फर्स्ट चैनल पे आएगा, ये मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, एश्योरेंस है यहाँ पे, गिव इट टाइम, ऑल द टाइम दैट इज नीडेड। तो पूरा समय दीजिए किसी चीज़ को, पूरा समय दीजिए जो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। आपको ये जानने की ज़रूरत है और आपको ये इस चीज़ के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है कि आप जिस भी चीज़ से प्यार करते हैं, या आपका जो रियल सेल्फ है, या जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, उसको अपना पूरा जो समय है वो दीजिए, पूरी तरह से उसके अंदर डेडिकेट होइए, और साथ ही साथ पॉजिटिविटी को अपनी बनाए रखिए। गिव इट टाइम, समय दीजिए, ऑल द टाइम दैट इज नीडेड। किसी चीज़ को अगर आपके पूरे समय की ज़रूरत है तो उसको पूरा समय दीजिए। और बात यह है कि आपके समय की आपको ज़रूरत है, यानी कि कुछ मामलों में आपको अपने आप को समय देने की ज़रूरत है, उसको दीजिए, और कुछ मामलों में आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है तो उसको कीजिए, यानी कि जो आपको करने की ज़रूरत है उसको कीजिए। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ें चेंज कर रही हूँ या किस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी कार्ड्स की सेटिंग बिठाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान दे के अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे जिस तरह से चीज़ें कम्फर्टेबल लग रही हैं उनको करने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये मेरा परमानेंट सेटअप नहीं है अभी, इनकी ये सेटअप अभी उतना ठीक नहीं है मेरे लिए, अभी इसको मुझे ठीक करना है। तो कुछ कामों में मैं बिज़ी हूँ, इसलिए आपको बीच में वीडियोस नहीं मिल रही। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो कुछ ज़रूरी कामों में मैं बिज़ी हूँ, इस वजह से
आप लोगों को रेगुलर रीडिंग्स नहीं मिल पा रही हैं, फिर भी अभी इससे ये सेटअप थोड़ा परमानेंट टाइप भी नहीं है। प्योरिटी आस्क एंड योर डीप सोल विल आंसर, तो आपकी सोल आपको आंसर करेगी कि आपको अपनी रियल सेल्फ के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, कहाँ जाने की ज़रूरत है, किससे बात करने की ज़रूरत है या अपने आप से बात करने की ज़रूरत है। इंटीग्रिटी, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड ऑफ यू, तो आपको अपने आप से ही बात करने की ज़रूरत है और कोई नहीं चाहता है कि आप अपने आप से बात करें या फिर आप अपने आप को जानें, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की। इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इसको 24 घंटे अपने दिमाग में रखना है। यानी कि इस बात को देखिए, याद रखने से ही आपको फ़ायदा होगा कि हम इस चैनल पे ये वाली बातें करते हैं और आपको इन लोगों से अवेयर रहना है जो आपके एनर्जी फील्ड में आपको नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। इस चैनल पे होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की बातें, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि इस चैनल पे भी साइकिक स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क होते रहते हैं। ईश्वरीय कृपा से आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं और उसके लिए आभारी रहिएगा। फिर भी अगर आपका मन मेरी वीडियोस को छोड़ के जाने का करता है, ये मेरी वीडियोस देखने का नहीं करता है, तो आपके ऊपर किसी ना किसी तरह के स्पेल वर्क का असर हो रहा है, आपका मन उछटता है, दोबारा आप नहीं आते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं या आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप खास तौर से अगर आप इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है, आपके लिए मैसेजेस सही हैं, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, कमेंट नहीं करना चाहते या फिर आप एंगेज नहीं रहना चाहते वीडियोस के साथ में, तो इसका एक ही मतलब है कि एक यहाँ के लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज से चैनल पे व्यू आए, मैं काम कर सकूं, और दूसरा आपके वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों से जुड़े जो आपको सही गाइडेंस दे सके या आपको सही रास्ते पे रख सके। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपका कोई भी ऐसा मन करता है तो डेफिनेटली आप इस स्पेल वर्क काम कर रहा है। ठीक है, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, इनकी जहाँ से आई हैं चीज़ें वहीं जाएं। विजनरी का कार्ड है यहाँ पे, लाइट एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है उन चीज़ों को देखना जो अभी तक लोग नहीं देख पाए हैं और अपनी इच्छा को बनाए रखना, अपनी इच्छा को बनाए रखना उन कामों को करने के लिए जिसमें आप अपना पर्सनल गेन नहीं देखते हैं, यानी कि इस बात की इच्छा आपके अंदर से होनी चाहिए। यहाँ पे कार्ड है इंटीमेसी, द ट्रू मीटिंग हैपेंस इन द नाउ, तो आप खुद को जान रहे हैं, खुद के बारे में समझ रहे हैं या फिर आप अपने रियल सेल्फ में उस रियल लव को पा रहे हैं कि अपने सोल के लव को पाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। सिर्फ चेंज किया है मैंने क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको चैनल का नाम भी दिखाई दे और साथ ही साथ आपके कार्ड्स भी आपको दिखाई दे। थैंक यू सो वेरी मच। क्या गाइड करना चाहती हूँ, डेलेंटांटे का कार्ड है रिवर्स में, शैडो एट्रीब्यूटर्स की, प्रिटेंशन टू मच डीपर नॉलेज देन यू एक्चुअली पजेस, तो आप जिस प्यार को पा रहे हैं या फिर जो प्यार आपको मिल रहा है वो आपके लिए रियल ही है, लेकिन आपको प्रिटेंड नहीं करना है। लेकिन कोई चाहता है कि आपके पास जितनी नॉलेज है आप उससे ज़्यादा पजेस करें, यानी कि आप दिखावटी चीज़ों में रहें और आप खुद के साथ इंटीमेट ना हो पाएं। इंटीमेसी के साथ ही कार्ड है लव का, कोई नहीं चाहता है कि आपको वो विज़न मिले जिससे कि आप अपनी रियल सेल्फ के साथ में और ज़्यादा डीपर नॉलेज ले सकें, यानी कि आप फेक नॉलेज या फेक विजन्स के अंदर ही रह जाएं और आपको ये समझ में ही ना आए कि लोग एक्चुअली आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपकी तरफ किस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं, क्योंकि इस चैनल पर तो हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एडिट का कार्ड भी है यहाँ पे शैडो एट्रीब्यूट में, कंप्रोमाइजेस इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी अलाउस एन एडिक्टिव पैटर्न टू हैव अथॉरिटी ओवर योर इनर स्पिरिट, तो आपको अपने आप को हील करने के लिए या आपको किसी सिचुएशन को, किसी लव की एनर्जीज को, किसी रिश्ते को, अपनी एनर्जीज को, अपनी लाइफ को या किसी सिचुएशन को ठीक करने के लिए जितना भी टाइम देना है उसको दीजिए, अपने आप को किसी एडिक्शन से हील करने के लिए। तो यहाँ पे अब आपके लिए डिस्क्लेमर है क्योंकि यहाँ एडिक्शन की बात है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई किसी तरह का कोई एडिक्शन है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं या फिर आपको कोई मानसिक, शारीरिक, आपको लीगल, कानूनी यानी कि फाइनेंशियल, सामाजिक या किसी भी और तरह की समस्या है, तो आपको उनसे बात करनी है जो लोग इस फील्ड के, यानी कि जो लोग उस क्षेत्र के एक्सपर्ट लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, आपको सही रास्ते पे गाइड कर सकते हैं। कोई ये चाहता है कि आप अपने आप को हील करने का
या फिर अपनी कमियों पे काम करने का समय अपने आप को ना दे सकें और आप उन सब चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करें, इनकी समझौते करें जो कि एडिक्टिव पैटर्न से आते हैं। और यहाँ पे लिखा है गिव इट टाइम, चीज़ों को समय दीजिए, ऑल द टाइम दैट इज़ नीडेड, जितने भी समय की ज़रूरत है उतना दीजिए। अगर आपको अपने अपनी इनर स्पिरिट पे काम करने की ज़रूरत है तो वो कीजिए, अगर आपको अपने काम पे काम करने की ज़रूरत है तो काम पे काम कीजिए, यानी अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप जितना और जो कर सकते हैं उसको जरूर कीजिए। कोई नहीं चाहता है कि आप अपने आप को समय दें या फिर आपको वो समय मिल सके जिससे कि आप सभी चीज़ों को सही तरीके से एनालाइज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है सर्वेंट का, इसका लाइट एट्रीब्यूट है डिलाइट टू इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट। यहाँ पर भी प्योरिटी का कार्ड है, यहाँ पर भी फ्री और लविंग हार्ट की बात है। आस्क एंड योर डीप सोल विल आंसर, तो आप किस तरह से दुनिया को और ज़्यादा सर्व कर सकते हैं या और क्या तरीके हो सकते हैं, कोई नहीं चाहता है आप उन तरीकों तक पहुँचे या कोई नहीं चाहता है कि आप अपने रियल हार्ट की एनर्जीज के साथ में जुड़े हों जिससे कि आप दुनिया को सर्व कर सकें। यहाँ पे कार्ड है इंजीनियर का, तो डेफिनेटली ये एबिलिटी टू गिव क्रिएटिव एनर्जी अ प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन, तो कोई यहाँ पे लिखा है इंटीग्रिटी, तो कुछ भी आपसे बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वो आपके अंदर है, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आपके एक्सप्रेशंस आपके अंदर हैं, वो टैलेंट आपके अंदर है जिससे आप चीज़ों को एक नया डायमेंशन या फिर एक नया रास्ता आप दे सकते हैं या आप दिखा सकते हैं। कोई नहीं चाहता है कि आप इन चीज़ों को दें, कोई बात नहीं, कोई नहीं चाहता है तो ना चाहे, उसके चाहने नहीं चाहने से क्या होता है। डेफिनेटली ये जो इंसान जो भी कुछ चाहता है ये आपसे एज में छोटा है या छोटी है जो कि आपके ऊपर किसी तरह का एनर्जी प्रोजेक्शन कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वीज का, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटकल्स का कार्ड अपराइट होता तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन ये चूंकि रिवर्स में है तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए अनग्राउंडेड एनर्जीज की बात करता है या फिर कोई उस एनर्जी में आपको देखना चाहता है जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अनग्राउंडेड हो और आप अपने विजन्स के साथ में कनेक्ट ना हो पाएं, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट ना हो पाएं या फिर आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके साथ कनेक्ट ना हो पाए। पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ट्रीटमेंट। व्हील ऑफ फॉर्चून का बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए जस्टिस का कार्ड, यानी कि आर्कएंजल माइकल का कार्ड। यहाँ पे डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई नहीं चाहता है कि आपके पास वो विजन हो जिससे कि एक आप दूसरों को सर्व कर पाए और ना ही आपके पास वो विजन हो जिससे कि आप सही चीज़ों की तरफ फोकस कर पाए। नहीं फोकस कर पाएंगे तो क्वीन ऑफ पेंटकल्स का कार्ड यहाँ पे सिक्स ऑफ व्हील्स का है, दोनों ही कार्ड पेंटकल्स के हैं। कोई नहीं चाहता है कि आपके गुड कर्मास का रिजल्ट आपको ब्लेसिंग्स के तौर पर मिले और कोई आपके लिए आपको बंद दरवाजों से ही वापस भेज देना चाहता है या भेज देना चाहते हैं ये लोग, ताकि आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं या जो चीज़ आपको पाना चाहती है उसमें एक डिस्टेंस हमेशा ही बना रहे। किसी को ये लगता है कि आपके पास जितनी नॉलेज है या आपके पास जितने अनुभव हैं आप उससे ज़्यादा का प्रिटेंड करते हैं, इसलिए आपको किसी तरह के कोई गिफ्ट नहीं मिलने चाहिए और कोई यहाँ पर उन चीज़ों को क्लेम करना चाहता है। यहाँ पे चिल्ड्रंस की एनर्जीज भी हैं, यानी कि ये जो लोग भी कर रहे हैं या फिर ये कोई अगर फीमेल है तो डेफिनेटली इन लोग सब बच्चे भी हैं, यानी कि बच्चे इस कहानी में इन्वॉल्व हैं या फिर जो लोग ये कर रहे हैं उनके बच्चे भी हैं। और ये भी है यहाँ पे साथ साथ कि ये आपकी चाइल्ड की एनर्जीज हैं या फिर चाइल्डहुड से ही आपके साथ ऐसा होता रहा है जब आपको आपके किए हुए का रिजल्ट बराबर नहीं मिलता या फिर आपको जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलता, यानी कि बचपन से ही ये आपके अब सिबलिंग कोई हो सकते हैं जब बचपन की बात आ गई है या फिर कोई ऐसे आपके रिश्तेदार आपके अपने ब्लड के रिलेटिव हो सकते हैं जो जिन्होंने कभी भी आपको उस नज़रिए से देखा ही नहीं जब आपको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। द हैंगमैन का कार्ड है, तो कोई यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए वो ब्लॉकेजेस लगाना चाहता है या कोई ब्लॉकेजेस लगा रहा है जिससे कि आप हमेशा एक एडिक्शन के अंदर रहें या फिर आप कभी भी उन चीज़ों को समय ना दे सकें, तो कोई आपके जो समय है उसको ख़राब करने के लिए आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क डेफिनेटली कर रहा है, क्योंकि ये कार्मिक लूप की बात करता है और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो है रिवर्स में है, तो कोई यहाँ पर आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क करने की कोशिश कर रहा है या वही जादू टोने करने की कोशिश कर रहा है और आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि आपके अगेन गुड कर्मा का रिजल्ट आपके लिए ना आ सके, और कोई आपकी व्हील को टर्न करने की कोशिश कर रहा है या उसमें अड़चने डालने की कोशिश कर रहा है आपको बाइंड और ब्लॉक करके।
लेकिन हैंगमैन का कार्ड, अगर ये वाली सिचुएशन भी है और यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली एक बात अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि हैंगमैन उस एनर्जी की बात करता है जब आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग होती है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें अपना 110% दीजिए, इनकी जितना आपको देने की ज़रूरत है या जितना आप दे सकते हैं उसको दीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के जस्ट बाद में ही यहाँ पे जो कार्ड है आपके लिए है जस्टिस का, 10 के बाद सीधा मेजर अरकाना का, यहाँ पे लॉक की एनर्जीज हैं, आर्कैंजल माइकल की एनर्जीज हैं, और आपके लिए कार्मिक चीज़ों की जो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो रही हैं उनको रिजॉल्व होने की एनर्जीज हैं। तो एक बात यह है कि आपके खिलाफ जितनी भी चीज़ें रिवर्स में करने की कोशिश की जा रही थी उन सब में आपके लिए जस्टिस आ रहा है या आएगा, या ये जस्टिस जो आपके लिए आएगा वो बहुत लोगों के लिए कलह का कारण लेकर आएगा। इसलिए भी लोग नहीं चाहते हैं कि आपके लिए जस्टिस आए ताकि उन लोगों के बीच में किसी तरह का कोई कलह ना हो। चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये वो लोग हैं जो कि आपको कॉन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कॉन आर्टिस्ट टाइप के होते हैं, दिखावटे होते हैं, तो ये आपकी एनर्जीज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं कि ये आप इस तरह की एनर्जीज में दिखाई दें कि आप कॉन करते हैं, कॉन आर्टिस्ट हैं, आप दिखावा करते हैं, आप झूठे हैं, आप गलत हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। डोंट ओवर स्पेंड, यहाँ पे मैसेज है ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट फेक लाइक देम, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपको अपनी तरफ फेक बनाना चाहते हैं, या फिर ये उस एनर्जी को आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी बोला था आपको कि ये वो कौन आर्टिस्ट हैं जो कि आपको कौन आर्टिस्ट साबित करना चाहते हैं और दिखावटी लोग हैं, तो आप इनकी तरह फेक हैं ही नहीं, आप रियल हैं, यानी कि आप रियल गेम हैं अगर मैं इस बात को कहूँ, या आप रियल जेम हैं, यानी कि आप असली हीरा हैं, आप असली खिलाड़ी हैं, आप असली हीरा हैं, आप असली सोल हैं और प्योरिटी से आप जुड़े हुए हैं। ये जो लोग भी आपको कॉपी करने की या आपकी एनर्जीज को बाइंड ब्लॉक करने की या आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा जस्टिस उन्हीं के ऊपर आ रहा है, यानी कि जस्टिस का जो खेल है उन्हीं के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये लोग ये आपकी एनर्जीज पर जो भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, इनको ये लगता था, ये लग रहा है कि आपको रोक कर ये आपके उस विजन से या आपके उस लव की एनर्जी से आपको रोक सकते हैं जो कि आपकी रियल एनर्जीज हैं, आपकी रियल सेल्फ की एनर्जीज हैं, आपके हायर सेल्फ की एनर्जीज हैं या रियल गॉड की एनर्जीज हैं। कुछ भी यहाँ ब्लॉक नहीं है। कोई आपको कोई ऐसा कौन आर्टिस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, या फिर कोई आपको कोई ऐसा झूठा इंसान आपको आपसे जुड़ना चाहता है या आपके साथ परिचय करना चाहता है जिससे कि वो आपको ठग सके। डेफिनेटली यहाँ पे वही एनर्जीज हैं जहाँ पर आपकी चीज़ों को ब्लॉक करने के चक्कर में या आपकी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने के चक्कर में इन्होंने अपने लिए बहुत कार्मिक चीज़ें बनाई हैं। तो ये एक्चुअली जो भी लोग हैं ये आपको इसलिए किसी जगह से हटा देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों के लिए ये स्ट्रगल डेफिनेटली आएगा, आपके लिए जस्टिस आएगा, इन लोगों के लिए स्ट्रगल आएगा, और इस कारण से ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपनी रियल एनर्जीज को, रियल सेल्फ को देखें या आपको देखने का मौका मिले। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड लिखा है, टेक देम थ्रू फ्लेम्स ऑफ हेल 3 times, तो जितनी जो चीज़ें भी ये आपके ऊपर कर रहे थे या कर रही हैं इनको 3 गुना उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किया तो कई बार है ना, लूप में फंसाने की कोशिश की है कि ये चीज़ें चलती रहें, या इन चीज़ों को लूप में करने की कोशिश की है कि ये चीज़ें चलती रहें, तो चीज़ें तो वापस आएंगी ही आएंगी, आना ही है उनको। थैंक यू सो वेरी मच। ट्रिपल 4 नंबर है यहाँ पे, योर कनेक्शन विद द एंजेलिक रियाम इज रियल, यू आर प्रोटेक्टेड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप इस बाइंडिंग ब्लॉकिंग से, इस कार्मिक लूप से डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर जो भी एनर्जीज फेंकने की कोशिश की जा रही है, देने की कोशिश की जा रही है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर कोई असर नहीं करने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई असर होता भी है तो वो इसलिए ही होगा क्योंकि आप खुद को देख नहीं रहे हैं, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं या रहते ही हैं। क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहते ही हैं, हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हर एक इंसान हो जाता है, लेकिन अगर आप रहते ही हैं, आप बुराइयों में ही फोकस करते हैं, या फिर आप दूसरों को कोसने में विश्वास रखते हैं, आप नहीं करते हैं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जो नहीं करते हैं वो आपको पता है, आप सब समझदार हैं, फिर भी आप मुझे बताते हैं, तो मेरे लिए तो फिर आप मुझे जानबूझकर ही बताते हैं, जब मेरे मना करने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करते हैं। मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ, आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं बस उनको लीजिए। पुशिंग नेगेटिव डिप्रेसिव थॉट्स, तो आपके अंदर ये नेगेटिव थॉट डाले जाते हैं, आपको नेगेटिव करने की कोशिश की जाती है ताकि आप अपने भविष्य को सही तरीके से देख ना सकें और आप उसको क्लेम ना कर सकें। आपके व्हील को टर्न करने की कोशिश की जा रही थी, तो मे बी
आपके अलाइनमेंट को और आपके चक्रास के अलाइनमेंट को या आपके ऑरिक अलाइनमेंट को यहाँ पे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, उसको घुमाने की कोशिश की गई है। वापस लाइए, अपने आप के साथ टाइम बिताइए, यानी कि आपको अपने आप के साथ टाइम बिताने की, अपने साथ थोड़ा बैठने की ज़रूरत है कि चल क्या रहा है आपके साथ, एंजेलिक एनर्जी लेवल पे भी, एंजेलिक रियाम में भी और इस रियल वर्ल्ड में भी। सेट विद योर प्रोग्रेस, इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि ये लोग खुद फेक हैं, तो इन लोगों को लगता था, ये लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ नहीं करने चाहिए, इसलिए इस तरह की एनर्जीज आपकी तरफ प्रोजेक्ट की जाती हैं और इसलिए आपकी प्रोग्रेस सेट भी हैं कि हम आप क्यों इनकी तरह फेक नहीं है, इसलिए आपको उस जगह से हटाने की कोशिश की जाती है या की जा रही है, जिससे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को ना पा सकें। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो कि आपके ब्लड के हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि वही लोग आपसे जेलस फील करेंगे जो कि आपकी प्रोग्रेस देख रहे होंगे। वुडू प्रीस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड प्लेइंग इन द डार्क ट्राइंग टू लुक यू अनस्टेबल, तो आपको अनस्टेबल दिखाने की कोशिश है या आपके काम को अनस्टेबल दिखाने की कोशिश है। स्किल्ड इन सेपरेशन स्पेल्स एंड मैरिज, तो यहाँ पे किसी ऐसे वुडू प्रीस्ट की हेल्प ली गई है या ली गई थी जो कि सेपरेशन स्पेल से हम मैरिजेस को ब्रेक करने में एक्सपर्ट है। चलिए जी, तो फेल है। योर सिस्टर कज़न हेल्पिंग देम अटैकिंग यू टू, तो आपकी सिस्टर कज़न या किसी की सिस्टर कज़न यहाँ पे हेल्प कर रही है आपको अटैक करने के लिए। पास्ट टाइमलाइन इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, पास्ट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, सिर्फ आपके अनुभव बचे हैं, जो आपने लेसन्स और लर्निंग सीखे हैं वही आपके पास बचे हैं। तो आपको लाइट को ढूंढने की ज़रूरत है और आपने लाइट ढूंढी, यानी कि अगर आपके साथ पास्ट में इस तरह की चीज़ें हुई हैं या अभी भी इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, तो आपका फोकस कहाँ पे है उस तरफ आपको देखने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपके फैमिली के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आपके जमाइका। दिस पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन, तो ये लोग नहीं ग्रो करना चाहते, इसलिए अभी तक इन लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि आपके ऊपर अटैक करना या फिर आपकी एनर्जीज के साथ में लगातार कनेक्ट रहना या आपका इनकी तरफ फेक ना होना सब कुछ डिवाइनली गाइडेड या डिवाइन के प्लान के अंदर है। मे बी आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा कि रियल एनर्जीज हैं, तो एक्चुअली इन लोगों ने कभी रियल एनर्जीज देखी ही नहीं है, चाहे आपके फैमिली के लोग हों या बाहर के लोग हों, जो भी हों, इन लोगों ने कभी रियल एनर्जीज या रियल पर्सन देखा ही नहीं है या जो रियलिटीज हैं वो देखी ही नहीं है, हमेशा एक हवा हवाई ज़िंदगी जी है। तो जिन लोगों ने हवा हवाई ज़िंदगी जी है उनको तो ये एहसास ही नहीं होता है कि रियल होना कैसे होता है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कई बार लोग आपको आपके पास्ट की चीज़ों से ही जज करते हैं, जबकि पास्ट से आपके पास में सिर्फ अनुभव रह सकते हैं, जो आपने सीखा है वो रह सकता है, जो प्यार आपको मिला होता है, साथ आपको मिला होता है वो याद रहता है, इसके सिवा कोई भी चीज़ काम की नहीं है। जो विजडम आपका होता है वो आपके पास में होता है। पास्ट टाइमलाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, पास्ट की टाइमलाइंस जो हैं ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, तो ये लोग इस चीज़ से ग्रो नहीं करना चाहते, यानी कि पास्ट की टाइमलाइन से कोई ग्रो नहीं करना चाहता है, ये नहीं चाहती है कि आप प्रोग्रेस कर सकते हैं या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस, लेसन और लर्निंग्स ही हैं, इसलिए एंजेलिक रियाम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बहुत बार रीडिंग्स में कह चुकी हूँ कि कार्मिक चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, कार्मिक साइकिल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस इंसान से डेफिनेटली आपको प्रोटेक्टेड रहने की ही ज़रूरत है, क्योंकि ये वो इंसान है जो कि बार बार आपके पास्ट की चीज़ों को या तो लेकर आता है या लेकर आती है, या फिर आपको पास्ट की नज़रों से जज करता है या करती है, या फिर ये आप इंसान आपको पास्ट की टाइमलाइन पे घसीटना चाहता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, यानी कि अपनी तरह आपको कुछ लोग देखना चाहते हैं जो कि है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ एनर्जी प्रोजेक्शन है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एनर्जी हार्वेस्टिंग का मैसेज है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, मेकिंग टाइम टेबल टू वर्क ऑन यू, तो आपके ऊपर काम करने के लिए टाइम टेबल बनाए जा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। थिंक ऑफ वेज टू स्टॉप यू ब्रेक यू, तो आपको रोकने के और ब्रेक करने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। सेंडिंग इल विशेस, इविल आई एंड मैजिक योर वे, पुशिंग नेगेटिव थॉट्स, तो आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स भी डाले जा रहे हैं और आपके ऊपर बुरी चीज़ें भी विश की जा रही हैं, बुरी नज़रें डाली जा रही हैं आपकी प्रोग्रेस के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। क्राउन चक्र मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ब्लॉकिंग योर डाउनलोड्स, आपके डाउनलोड्स ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ फेल हो गई है। वॉन्ट टू टेक योर मैसेजेस बिफोर यू, तो कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपके ऊपर बैठ कर निगाह रखता है या निगाह रखने की कोशिश करता है, तो सब चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं, आप ऐसे ही प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये लाइट आपके ऊपर शाइन कर रही है और डिवाइन रियाम आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। चलिए जी,
देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए। डोंट सेटल फॉर लेस, आप ईश्वर की संतान हैं और आप अपने सपने पूरे करना डिजर्व करते हैं, इसलिए गिव अप आपको नहीं करना है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, 33 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है। बी पेशेंट, धैर्य रखिए और अपने एंजल्स पे फेथ रखिए कि उनके अंडर कंट्रोल ही सारी सिचुएशन है। जो भी आपके लिए आएगा वो आपने जो सपना नहीं देखा होगा उससे भी बेहतर होगा। थैंक यू सो वेरी मच। यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड, 44 नंबर है, यहाँ 444 है, 33 है। तो असिस्टेंट मास्टर्स एंजेलिक रियाम आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अपने आपको ईश्वर को हमेशा ही धन्यवाद देते रहना चाहिए इस तरह से कि आपके सारे प्लान्स जैसे पूरे हो चुके हैं या आप जो चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। अपने एंजल्स को ट्रस्ट कीजिए कि वो आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी आप तक पहुंच जाएगी। फेथ दैट योर एंजल्स हैव द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो अपने एंजल्स के साथ में कनेक्शन का, आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इन लोगों को, इनके लोग जो भी आपकी तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके ऊपर इलविश कर रहे हैं, इविल आई भेज रहे हैं, मैजिक भेज रहे हैं, वो सबका सब रिटर्न टू सेंटर है। यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं 39 नंबर है कि आप सेफ हैं उनके लाइट के बबल में और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और आप फ्यूचर को स्माइल के साथ देखेंगे, और यही चीज़ ये लोग नहीं चाहते हैं। खैर, जो कुछ भी है आपके सामने ही हैं सारे मैसेजेस। जो चीज़ें आपके साथ और जितनी चीज़ें रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। आप प्रोटेक्टेड हैं इस बात पे ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको अपने साथ भी कनेक्ट होना है, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा। इसलिए अगर आपकी तरफ कोई इस तरह की एनर्जीज भेजी जाती हैं या भेजी जा रही हैं और आपको लगता है कि वो चीज़ें आपको आपको नुकसान करती हैं, तो आपको उनको रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में आपके आसपास क्या चल रहा है। जो भी परेशानियां हैं कोई बात नहीं है, इन सब में आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। तो आपके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेकंड चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी वीडियो आते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।